पापा की बहन जैसी फीलिंग आती है कभी कभार। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें मुझसे शादी करनी है, बहन की फीलिंग कैसे आ सकती है? अच्छाई और बुराई में कौन क्या चुनेगा, मेरे जैसे लेखक को कौन ही सुनेगा। पैसा है तो टोनी भाई भी अपना स्टार है, बिकता यहाँ कोड़ियों में टैलेंट का भंडार है। सपनों का सौदा कौन करना चाहता है, जिम्मेदारी का बोझ इंसान को दबाता है। वल्गैरिटी कंटेंट मिलियंस व्यूज ले जाते हैं, साफ सुथरे लोग यहाँ चूतिया कहलाते हैं। Hey guys, कैसे हैं आप सब? तो गाइज, आपको इनको तो आप जानते होंगे, मैंने इतनी मुश्किल से जो है रैप सॉन्ग लिखा, इनके ऊपर गाया और इनसे नंबर लिया। सिंपल सी एक बात है, अभी जो तू मेरे साथ है, लड़की है तू को ही नूर का हीरा, गर्मी में जैसे ठंडा जल जीरा। वो अलग बात है, एक हफ्ते में इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तुमने ब्लॉक कर दिया इन्हें? तो ब्लॉक नहीं करूंगी, एक हफ्ते बाद सेम गाना किसी और लड़की को सुना रहे थे। अरे तो यार फैजान भाई, पता नहीं आपको, हम वीडियो बनाते हैं, इन्हें भी बता दिया था कि हम वीडियो बना रहे थे, तो उस लड़की को रैप पसंद आया, उसने कहा आप सुना दो, मैंने सुना दिया। अच्छा, हाथ में हाथ पकड़ के ये फंस गया। अरे छोड़ो, इन बातों को खत्म करते हैं यार। गाइस, आप इन्हें पहचान ही गए होंगे, रैप शॉट में हमारे आ चुकी है। ठीक है, तो इनका एक बॉयफ्रेंड है जो 4 साल से इन्हें 4 साल से लव यू बोल रहा है, और ये उसे ना एक बार चेक करना चाहती है हमारे थ्रू। तो प्रैंक तो आप पूरा जब देखोगे जब ही बताना लड़के कैसा है क्या है। ठीक है, ये अपने उसी पे मतलब बॉयफ्रेंड बोल सकते हैं ना? पता नहीं, इनसे पूछो। फ्यूचर बॉयफ्रेंड बोल रहा अभी तो है, फ्यूचर बॉयफ्रेंड, वो तो आप ही डिसाइड करोगे। उसको डराना है। तो वीडियो में हम जा रहे हैं इनके भाई और गैंगस्टर बन के, तो आज देखते हैं क्या रिएक्शन आता है लड़कों का। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और गाइस, सबसे जरूरी बात, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। कॉन्टैक्ट कैसे किया तो बता दो, तुम्हें किया मुझे नहीं किया? भाई तो क्या हो गया, कर लिया हमें, चेक करेंगे उस लड़के को। हेलो, हाँ हेलो ईशांत, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो आप विश्वकर्मा पार्क में आ सकते हो क्या? हाँ जो, मैं आपका वेट कर रही हूँ। चाबी कहाँ है? Two thousand years later. Oh hi. Hi. कैसे? कैसे? आप बताओ कैसे? बस मैं भी बढ़िया। मुझे अच्छा लगा आपने मेरे मैसेजेस और कॉल पर रिस्पॉन्स किया। थैंक यू। एंड मुझे अच्छा लगता था आपने मुझसे बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई रियली लाइक यू। पता नहीं ऑफिस में क्या हो जाता है, कुछ तो मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि आपके साथ ही रहना। आई रियली लाइक यू। ओके, एक्चुअली हाँ, मैंने आपके मैसेज पढ़े, मैंने आपको रिप्लाई भी किया, बट मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया। क्या बात करनी? एक्चुअली मतलब मुझे आपको कुछ बताना था, वो एक्चुअली मैं किसी से शेयर नहीं करती ये बातें, मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको करनी थी, आपको बतानी थी, तो मैंने आपको बुलाया। एक्चुअली मेरे दो भाई हैं। दो भाई? हाँ। आपने तो कहा था आपका एक ही भाई है। हाँ हाँ, मैंने बोला था, बट मेरे दो भाई हैं जिनके बारे में मैं किसी को बताना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि उनके बारे में किसी को भी पता लगे, बट मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए, तो मैंने इसलिए आपको बुलाया यहाँ पे, ताकि मैं आपको उनके बारे में बता सकूँ। मेरे दो भाई हैं, एक्चुअली वो गैंगस्टर है दोनों। गैंगस्टर है तो मतलब क्या, तुम मेरे साथ मजाक वजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं, अरे मैं क्यों मजाक करूंगी, मजाक वाली बात थोड़ी है, जो सीरियसली है मैं वही तुम्हें बताने के लिए बुलाया, ताकि आगे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बट मैं क्योंकि ये चीज किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, कि मेरे दोनों भाई वो भी गैंगस्टर है, तो मैंने इसलिए तुम्हें सोचा कि तुम्हें बता दूं, तभी मैंने तुम्हें बुलाया। एक्चुअली वो तुमसे मिलना भी चाह रहे, तो अभी आ रहे हैं दोनों ही। वो अभी आ रहे हैं? हाँ, यहीं आ रहे हैं। स्वागत तो करो हमारा। ये है तेरे दो भाई। हमारा माल कहाँ बेचा तुम? सॉरी भाई, कहाँ बेचा हमारा माल? है ये तो निकाल दिया, दूसरी निकाल लेते।
घपला करेगा सारे। चुपचाप बैठ, चुपचाप अभी। नमस्ते, ये आपके भाई हैं? रियल? ये दोनों मेरे भाई। हाँ, ये कर रहे हैं यहाँ पे, ये कर रहे हैं यहाँ खड़ा हूँ मैं। बैठो बैठो, क्या उठा जा, बैठो बैठो। हाँ, इसको उठा के मेरे पास ले आया। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता देता है। इनके बारे में गलत बोलेगा, भाग देंगे से। अरे भाग क्यों रहा है? अरे वो चला क्यों गया वो बेचारा? ये भाग क्यों गया, क्या हो गया से? वो कहाँ गया भाई? बैठो भाई, ठंडे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमारे माल में गलत कपला कर रहा था सारा। अरे मारते साले को। कौन है वो? ईशांत भैया ही है जिसको आपसे मिलने चला। ईशांत कौन है? कौन है ईशांत? मैं नहीं जानता किसी ईशांत को। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैंने सोचा आपसे मिलवा दूँ। ये भी? हाँ ये भी बोल रहा था कि प्यार, बाकी बहन जैसी फीलिंग आती है कभी कभार। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें मुझसे शादी करनी है, बहन की फीलिंग कैसे आ सकती है भाई? मारो मुझे, मारो। तू करेगा बहन से शादी मेरी? मैं कब कर रहा हूँ? मैं राखी लेके आया था बहन के लिए, आपके लिए। आप कैसी बात कर रहे हो यार? बैठे बैठे और कह रहा भाई, किसी ने बोला था मुझसे शादी भी करता और प्यार भी करता शादी भी करना चाहता। तो ये भी बताना होता है कि बड़े भाई भी हैं दो गैंगस्टर। तो मैंने अभी तो यही बात करने के लिए तो बुलाया था ना आपको। मैंने चाहा कि आपको से ना छुपाओ कोई बात, तो तभी मैंने बुलाया आपको। अबे मेरा सामान लिया जरा। सामान लिया? इसी सब पार्क में बैठता हूँ। कौन सा पार्क है ये? विश्वकर्मा पार्क। अरे नहीं, डीडे पार्क है। यही बैठो, मेरा सामान ला। हाँ यही लिया, जरा से बातचीत कर लो। हाँ हाँ करो। अरे बातचीत क्या भाई, मैं रुक जा। शादी करना चाहते? पागल है, पत्नी क्या क्या बोलती रहती है आपकी बहन, मुझे नहीं पता। ये कह रही थी 4 साल से ऑफिस में हो और प्रपोज करा है। मेरे पास मैसेज भी पड़े, बोलो तो दिखा दूं। लो देखो, ये आप डीपी देख लो, इसके टेक्स्ट, इसके ऑडियो सुन लो, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लो। ऑटो ट्यून लगा रखी थी उस साले ने, मैं मारूंगा उसको। बोल रहा है आप, देखो लो। अरे देखो, इसी के मैसेज है कि नहीं, इसी का डीपी है, देखो। लग गए। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। तो मैं किसी और को टाइप ये इसने मुझे ही लिखे थे। भूल गया भाई, सामान ही भगाने का। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे क्या करना है? तो एक्चुअली भैया जो है अपने मम्मी पापा से बात करनी है, थोड़ा उनसे दवा लेनी है घर के बारे में। ये अच्छी लड़की है कि मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। अच्छी लड़की नहीं, मतलब हमारी बहन तो बुरी कह रहा है। अरे बुरी नहीं कह रहा मैं, मतलब मैं अपने अपने लिए अच्छी है क्या? नहीं, मैं इसके लिए खराब हो सकता हूँ भैया, मैं हो सकता हूँ इसके लिए खराब, ये मेरे लिए खराब नहीं हो सकती। वो समझाना है कि माँ बाप को ये कुछ ज्यादा ओवर तो नहीं। अरे ये शादी तुम्हारी सही है एक बार? हाँ, मुझे तो पसंद है। हाँ, मुझे तो पसंद है। एक बार मम्मी पापा से राय लेने दो, फिर मैं देखता हूँ ना। बिल्कुल देख, बता दूंगा। अभी तुम कह रहे थे कि बुला ले अपने भाई को, मैं कोई डरता थोड़ी ना हूँ, मेरे भी बातचीत बहुत है। अब मेरे भाई बैठे तो तुम बात ही नहीं कर रहे हो। पागल वागल हो गई है कि तू? थोड़ी सी मैंने कहा, इसने खुद बोला था। जानो को नहीं नहीं बात करना चाहता। तुम बार बार झूठ क्यों बोल रहे हो मेरे भाइयों को देख के? झूठ बोलने वाली बात नहीं, यही सच है। नहीं, इसने खुद बोला था अभी कि आप बुला लो अपने भाइयों को, मेरी भी बातचीत है, मैं डरता थोड़ी हूँ। कसम मैंने बोला ही नहीं ऐसा, नहीं बोला भैया मैंने। भाई जाने बोला, भाई को कैसे बुला ले? मम्मी की झूठी कसम खा रहे हो तुम। कुछ नहीं है भैया, एक बार अपने मम्मी पापा से राय सकूं तब मैं देखता हूँ। ठीक है, नहीं कैसा लड़का पसंद किया?
अभी बहन बोल रहा है, कभी मम्मी से पूछूंगा। अरे तू लोगों को देख दाग के देखा अभी इसमें नहीं। पत्नी क्या ही देख लिया मेरे में, क्या देखा मेरे में? चार साल पहले इसने प्रपोज किया, हम चार साल से साथ ऑफिस में काम करते हैं। ये खुद ही बोलता है मैं आपको लाइक करता हूँ, काम करने से प्यार लाइक करता तो लाइक यू लव यू तो यही होता है ना, और क्या होता है? एज अ सिस्टर बोला था झूठ, फिर अभी अभी आपसे पहले ये कह रहा था सिस्टर, अभी फिर झूठ बोल रहा है। बोला था ना भैया आपके इतने अच्छे हैं, सामानों वान लेके आते हैं। सिस्टर सिस्टर नहीं, आपको प्यार है उसके अंदर अपने में, वो पहले सिस्टर थी अब प्यार है। लेकिन मैं अपने मम्मी पापा से राय करना चाहता हूँ भैया वहाँ जाके। तो तुम्हारा कोई फैसला नहीं है क्या हमारे लिए? अभी कुछ फैसला नहीं है, मैं मम्मी पापा से बोलूंगा तो ना कि मेरे लिए अच्छी है या नहीं, मतलब मैं इसके लिए अच्छा हूँ या नहीं। सॉरी भैया, मैं इसके लिए अच्छा हूँ यार, मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने मम्मी पापा से। एक्चुअली नया मुझे फोन आ रहा है, मैं चलता हूँ भैया, ठीक है नया, बाय 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 भैया। Hold me close till I get up. Time.